मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के अवसर पर नगर निगम के सभागार में शपथ ग्रहण का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें नगर निगम के महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त अविनाश सिंह सहित नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण देखा और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किए हैं। इसके साथ साथ मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया है, जिससे गोरखपुर के साथ पूरे प्रदेश व देश में एक उत्सव का माहौल था। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद रह चुके हैं और इसके साथ ही वह गोरखपुर के विधायक चुने गए हैं, जिससे गोरखपुर के लोगों में काफी उत्साह है और नगर निगम ने शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पूरे शहर को सजाया है, जिसमें सभी चौराहों व नगर निगम में आतिशबाजी की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह का भव्य कार्यक्रम करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए नगर निगम की तरफ से बधाई देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, लेकिन उसका निशाना वर्ल्ड कप, तो जितने भारत के संविधान के लिए
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की तथा देवताओं की जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए भया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को आपके सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना निश्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संबोधित या प्रकट नहीं करूंगा। कार्य के लिए शपथ ग्रहण किया और उनके साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्यमंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया और इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरे प्रदेश में पूरे देश में एक उत्सव का माहौल था। और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर जनपद से विधायक चुने गए हैं पूर्व में कई बार यहाँ पर सांसद रह चुके हैं उसको लेकर यहाँ गोरखपुर की जनता में बहुत ही ज़्यादा उत्साह था और नगर निगम परिवार ने इस पूरे कार्यक्रम को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए पूरे शहर को सजाया है। बड़ी संख्या में जो हमारे चौराहे हैं पूरे शहर में LED लाइट टीवी लगवा कर आम जनमानस को ये जो कार्यक्रम हुआ है उसका अवलोकन कराया गया है। इसके साथ प्रत्येक चौराहे पर प्रत्येक कार्यक्रम स्थल पर मिष्ठान वितरण किया गया और अभी आपने आतिशबाजी का मुजाहरा किया तो कह सकते हैं कि जो सभी नगर निगम ने ये पूरा किया था उत्सव का एक जो माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया
उसको लेकर आम जनमानस में जो एक बहुत ही उत्साह का संचार था, उसको साथ अपने को जोड़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को इन तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से असंख्य शुभकामनाएं दी हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे प्रथम कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश ने देश के जो प्रमुख प्रदेश हैं उनमें नंबर एक कह सकते हैं स्थान प्राप्त किया है, अब की बार उससे भी बेहतर आपको विकास का जो गंगा है उसको बहते हुए देखने को आपको मौका मिलेगा। और निश्चित रूप से एक नया कई के मतलब अनेक क्षेत्रों में नए कीर्तिमान आपको स्थापित होते हुए देखने को मिलेंगे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी का माहौल है और गोरखपुर वासियों को विशेष खुशी है कि हमारे क्षेत्र के हमारे विधायक पूर्व मंत्री योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, गोरखपुर उत्सव मना रहा है। इसी क्रम में नगर निगम में बड़ा स्क्रीन लगाकर मैंने अपने पार्षदों कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ इस पल को निहारने के लिए हम लोग वहाँ पर बैठे थे। सभी को बहुत अच्छा लगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने अपने 52 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी पर विशेष हम लोगों का आकर्षण का केंद्र रहा कि वो हमारे इसलिए कि हमारे विधानसभा हमारे गोरखपुर के ही वो विधायक बने। साथ ही साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो एक सरल सुहृद और पिछड़ों के बड़े नेताओं में उनकी गिनती है, चुनाव हारने के बाद भी मोदी जी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया है, योगी जी ने उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया है। एक दो उप मुख्यमंत्री बने हैं जिसमें एक कानून मंत्री पिछले गवर्नमेंट में कानून मंत्री रहे बृजेश पाठक जी मंत्री बने हैं। साथ ही साथ 12 कैबिनेट मंत्री 14 राज्य मंत्री और 10 राज्य मंत्री बनाए गए। इसमें सभी वर्ग के लोगों का समायोजन किया गया है और बड़े ही बृहद रूप से इस कार्यक्रम को किया गया है। आज पूरे हम लोगों के को तो विशेष खुशी है कि योगी जी हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे हैं, अपने हैं और लंबे समय से गोरखपुर का नेतृत्व करते चले आए। आज फिर दोबारा मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया है। हमें उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा और एक इतिहास कायम करेगा। भारत का सबसे समृद्ध हमारा उत्तर प्रदेश बनेगा।